नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार में लोकसभा की एक सीट और पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना के परिणाम आ गए हैं। नतीजों में एनडीए को जहां करारी हार मिली है, वहीं राजद को दो सीटों पर जीत मिली है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी। किशनगंज, बेलहर, सिमरी, बख्तियारपुर में जहां भाजपा, जदयू और लोजपा गठबंधन को करारी हार मिली है, तो वहीं दौरौधा से बीजेपी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार व्यास सिंह ने जेडीयू के प्रत्याशी अजय सिंह और आरजेडी के उमेश सिंह को बड़ी अंतर से हराया है। चार सीटों पर खड़ी जेडीयू को मात्र एक सीट पर जीत मिली, जो कि नाथनगर विधानसभा सीट है, और यहां भी टक्कर काफी करा रहा और अंतिम राउंड में जाकर जेडीयू के लक्ष्मीकांत मंडल ने जीत हासिल की। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि किस सीट पर किसने किसको हराकर जीत हासिल की और किसको कितने वोट मिले। बात की शुरुआत हम किशनगंज सीट से करते हैं, क्योंकि यहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस की पारंपरिक कहे जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई है। बिहार में अशुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जबरदस्त एंट्री मारते हुए किशनगंज में भाजपा को पछाड़ दिया है। इस सीट पर ओवैसी की पार्टी के कमरुल होदा ने जीत हासिल किया है। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर देती नजर आई, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया वे पीछे होती चली गई। कांग्रेस की तरफ से शैदा बानू चुनाव मैदान में थी, जो कि वर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद की माँ है। डॉक्टर जावेद इससे पहले इस सीट से विधायक थे। उनके 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हुई थी। कल मतगणना के परिणामों में AIMIM के कमरुल होदा ने जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही बिहार में AIMIM की बिहार में एंट्री हो गई है। वोटों की बात करें तो पहले स्थान पर है कमरुल होदा को 70,469 वोट मिले, वहीं दूसरे स्थान पर स्वीटी सिंह को 60,265 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस की शैदा बानू को मात्र 25,285 वोट ही मिले हैं। इस तरह AIMIM के कमरुल होदा ने यहां से 10,204 वोट से जीत हासिल किया है। अब बात करते हैं बेलहर की। बेलहर में राजद के रामदेव यादव को जीत मिली है। यहां से जदयू उम्मीदवार लालधारी यादव को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा सीट बेलहर लोकसभा सीट बांका का हिस्सा है। 2015 के चुनाव में बेलहर से जदयू उम्मीदवार गिरधारी यादव को जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में जदयू ने गिरधारी यादव को बांका सीट से चुनाव मैदान में उतारा। गिरधारी के लोकसभा चुनाव जीतने के चलते बेलहर विधानसभा सीट खाली हुई थी। यहां पर वोटों की बात की जाए तो पहले स्थान पर आए रामदेव यादव को 76,350 वोट मिले, वहीं दूसरे स्थान पर आए लालधारी यादव को 57,119 वोट ही मिले। इस तरह राजद के रामदेव यादव ने यहां से 19,231 वोट से जीत हासिल की है। सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो इस सीट पर राजद के जफर आलम को जीत मिली है। उन्होंने जदयू के डॉक्टर अरुण कुमार को हराया है। सहरसा जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा का हिस्सा है। 2015 के चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर से जदयू के दिनेश चंद्र यादव को जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से सांसद चुने गए थे। यहां पर वोटों की बात की जाए तो पहले स्थान पर रहे राजद के जफर आलम को 71,441 वोट मिले, तो दूसरे स्थान पर रहे जदयू के अरुण कुमार को 55,936 वोट मिले। इस तरह इस सीट पर राजद के जफर आलम ने 15,505 वोट से जीत हासिल की। इस सीट की एक और जानकारी हम आपको ये दे दें कि सीट पर VIP पार्टी के उम्मीदवार दिनेश निषाद तीसरे स्थान पर हैं, उन्हें 25,225 वोट हासिल हुए। अब बात करते हैं उस सीट की जहां के परिणाम ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। वह सीट है दरौदा। यहां से बीजेपी के बागी और निर्दलीय करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह ने जीत हासिल की है। विधानसभा क्षेत्र दरौदा लोकसभा क्षेत्र सिवान का हिस्सा है। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवार कविता सिंह को दरौदा से जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने कविता सिंह को सिवान से टिकट दिया था और उन्हें जीत मिली थी। उपचुनाव में जदयू ने यहां कविता सिंह के पति अजय सिंह को टिकट दिया। वहीं राजद ने यहां से उमेश सिंह को मैदान में उतारा। निर्दलीय उम्मीदवार करणजीत सिंह और ब्यास सिंह जीत चुके हैं और राजद के उमेश सिंह यहां तीसरे स्थान पर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्यास सिंह बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर थे। टिकट नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। यहां पर वोटों की बात करें तो पहले स्थान पर रहे करणजीत सिंह और ब्यास सिंह को 51,223 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे जदयू के अजय कुमार सिंह को 23,944 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे स्थान पर रहे राजद के उमेश सिंह को 20,891 वोट ही मिल सके हैं। इस तरह यहां से ब्यास सिंह ने 27,279 वोट से जीत हासिल की है। अब बात करते हैं नाथनगर विधानसभा सीट की। नाथनगर की बात की जाए तो नाथनगर में जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल और राजद की रविया खातून के बीच कड़ा मुकाबला था। लक्ष्मीकांत जीत गए हैं। विधानसभा सीट नाथनगर लोकसभा क्षेत्र भागलपुर में आता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में नाथनगर से जदयू उम्मीदवार अजय मंडल को जीत मिली थी।
2019 लोकसभा चुनाव में अजय मंडल को भागलपुर से टिकट मिला। अजय के सांसद बनने के चलते सीट खाली हुई। लक्ष्मीकांत मंडल सीट से 5131 वोटों से जीते हैं। उन्हें 55981 वोट मिले, जबकि यहां दूसरे स्थान पर रही राजद की रविया खातून को 50850 वोट मिले। यहां पर माझी की पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार राय को 6315 वोट ही मिले और वे यहां पर चौथे नंबर पर रहे। आखिरी में बात करते हैं एकमात्र लोकसभा सीट समस्तीपुर पर हुए उपचुनाव की। समस्तीपुर लोकसभा सीट से लोजपा के प्रिंस राज ने जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अशोक कुमार चुनाव मैदान में थे। सुबह 8 बजे जैसे ही मतगणना शुरू हुई, लोजपा के उम्मीदवार प्रिंस राज अपना बढ़त बनाए हुए थे और यह बढ़त आखिरी तक बना रहा। प्रिंस राज 1,02,090 वोट से विजयी हुए। इस जीत के साथ ही लोजपा का केंद्र की राजनीति में कद ऊंचा हुआ है। वहीं रामविलास पासवान ने प्रिंस राज की जीत पर उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के निधन होने पर यह सीट खाली हो गई थी। आपको बता दें कि इस सीट से 1991 में रामविलास पासवान सांसद रहे थे। उसके बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। उसके बाद यहां से उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान ने चुनाव लड़ा। 2004, 2014 और 2019 में वे सांसद बने। 2019 लोकसभा उपचुनाव में रामचंद्र पासवान के बेटे ने फिर से बाजी मारी है। यहां पर वोटों की बात की जाए तो लोजपा के प्रिंस राज को 3,90,276 वोट मिले। तो वहीं दूसरे स्थान पर आए कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को 2,88,186 वोट हासिल हुए हैं। तो ये थे बिहार उपचुनाव के सभी सीटों के परिणामों की जानकारी जो कि बिहारी न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंच रही थी। बिहार से जुड़ी किसी भी खबर को जानने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।